आज का जो अपना न्यू टॉपिक है वो है टू डू लिस्ट। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि क्या क्या आपको IBPS क्लर्क, SBI PO एंड IBPS PO, IBPS क्लर्क और SBI PO, SBI, ये दोनों तो PO का बता रहा हूँ। क्लर्क का भी सेम ही होता है, बस थोड़ा सा क्या होता है, क्लर्क में क्वेश्चन का लेवल थोड़ा इजी होता है, बाकी कोई फ़र्क नहीं होता। और पज़ल का थोड़ा सा लेवल हाई होता है इसके अंदर, पीओ के अंदर। तो अपन मैथ से स्टार्ट करते हैं। मैथ में देखो, मैंने वीडियोस बना रखी हैं, पहले तो वो वीडियोस देख लेना, ठीक है, और उनकी प्रैक्टिस करनी ही करनी है डेली, ठीक है। अब देखो, 50 सिंप्लीफिकेशन करने हैं, डेली करने हैं, और थोड़ा सा माइंड कैलकुलेशन करना है, पेन का यूज़ कम करना है इसके अंदर, ठीक है। 50 मिसिंग नंबर सीरीज, और 50 ही रॉन्ग नंबर सीरीज, और सेम 50 क्वाड्रेटिफिकेशन, ठीक है। ये करने के बाद में 5 DI प्री लेवल की। अब मेन चीज़ है कि ये सब मिलेगा कहाँ से, इतना सब कुछ। तो गूगल पे आपको बस कुछ नहीं, ऐसे सर्च कर देना है सिंप्लीफिकेशन PDF फॉर बैंक एग्ज़ाम, तो कोई ना कोई PDF आ जाएगी, उसमें डाउनलोड करो, देन उसको सॉल्व करो। सबसे बेस्ट सोर्स है ये चीज़। अब ये कहोगे वहाँ की पढ़ें यहाँ की पढ़ें, वो मत सोचो, जो भी मिले बस वो पढ़ लो, या फिर ऐसे लिख दो लास्ट फाइव ईयर्स PDF फॉर बैंक एग्ज़ाम, तो कुछ ना कुछ आ जाएगा, देन वो कर लो, ठीक है। और अच्छे से प्रैक्टिस करनी है तो उसके लिए क्या है, डेली ऐप यूज़ कर लो, जैसे अड्डा की ऐप होगी, बच्चा ये एक सिंगल यूज़ कर लो। इसके अंदर क्लर्क के, PO के क्विजेज आते हैं छोटी छोटी, 15-15 मिनट की, वो भी यदि 4 या 5 दे दोगे ना, तो भी आपकी स्पीड बढ़ने लग जाएगी और आपको सारा सिलेबस धीरे धीरे कवर होने लग जाएगा, ठीक है। ये यूज़ कर सकते हो अड्डा की ऐप, मेरे हिसाब से तो बेस्ट है ये। बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग में फिक्स कर लो 5 पजल बनानी है, ठीक है, और 5ों अलग बनानी है, और अड्डा की जो ऐप है उससे क्विज देनी है, जिसमें पजल जैसे लिखा होगा उसमें आ जाता है पजल क्विज या रीजनिंग क्विज जो भी है, तो वो देनी है, ठीक है। और टाइमिंग के साथ यदि पजल बनाओगे ना, तब इम्प्रूवमेंट होगा, अदरवाइज़ पज़ल का क्या है, जैसे मैं बताता हूँ, अपन ने कोई पज़ल है, अपन ने विदाउट टाइमिंग बनाई, तो अपन आराम से बनाते हैं, तो वो हमेशा अपना माइंड भी कहता है कि भाई इसको टाइम की तो नीड है नहीं, और पज़ल कहती बन तो मेरे को जाना ही है, ठीक है, तब वो बन जाती है। कुछ कहते ना कि भाई पेपर ख़त्म होने के बाद में मैं 35 में से 35 कर देता हूँ, तो उसका रीज़न ये है, क्योंकि माइंड भी उस चीज़ को ऑब्जर्व कर लेता है, क्योंकि तुम्हें आता तो सब कुछ ही है, बट टाइम के साथ नहीं आता, तो उसके लिए तुम टाइम के साथ प्रैक्टिस करो। कुछ कहते हैं मेरे को 2 मिनट में पजल नहीं बनती, अब जैसे कुछ होते हैं बताता हूँ क्या गलतियाँ करते हैं, जैसे ये बनाना है, ठीक है, स्क्वायर बनाना है, तो जल्दी सी 8 ऐसे इंसान रख लो, अब कुछ सजाने लगेंगे, ये नॉर्थ साइड है, ये नॉर्थ साइड है, ये नॉर्थ साइड है, नॉर्थ साइड, तुम सिंगल कहते हैं ना डायरेक्शन का यूज़ करो कि ये आउटसाइडर है, ये आउटसाइडर, आउटसाइडर। अब इनसाइड का तो अपन को पता ही है कि जब ये 4 आउटसाइड में है तो इनसाइड अपने आप ही हो गया, अब इनको इनसाइड करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब तुम लोग क्या करते हो, इनको कुछ ऐसे लिख लेते हैं, इनसाइड ये आउटसाइड, इनसाइड आउटसाइड ऐसे लिखते हैं, नॉर्थ डायरेक्शन, सेंटर की तरफ डायरेक्शन, तो ये चीज़ें छोड़ दो। एक होता है कि तुम पता क्या, दूसरी एक पजल आती है संडे मंडे, अब मैंने कईयों को देखा है संडे पूरा लिखेंगे, तो वहाँ कोई कॉपी थोड़ा ना चेक हो रही है तुम्हारी,
शॉर्ट में लिखना स्टार्ट करोगे तभी शॉर्ट में होगा, संडे मंडे ट्यूसडे वेनसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, तब तो होगा काम। अब कुछ वेनसडे ऐसे पूरा सजा के लिखेंगे, जैसे उनकी कॉपी वहाँ पे आगे जाके चेक होगी और इसी के ऊपर नंबर मिलेंगे, जो आपने पेपर में किया उसके हिसाब से नंबर नहीं मिलेंगे। ऐसा नहीं होता है, तो कुछ चीज़ें सुधारो तब जाके सुधर में आई। जैसे जनवरी फरवरी लिखना है तो जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून। अब जैसे जून जुलाई है ये तो चलो पूरा लिख भी सकते हो, बट अब कुछ कहेगा कि अक्टूबर को पूरा लिखना, ओ सी डी लिख दो, ओ ही लिख दो, क्योंकि अक्टूबर एक सिंगल ही ऐसा होता है कि पूरे जनवरी फरवरी में ओ आता है, तो ओ सी एन जैसे एन है, ये नवंबर हो गया, दिसंबर डी हो गया, ठीक है। अब जे तो चलो सारे आते हैं, तो उसके लिए जनवरी ऐसे जे एन लिख लो पूरा, ठीक है। फैब में एफ एस लिख, जब तक स्टार्ट नहीं करोगे ना तब तक ऐसी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी तुम्हारा टाइम बचेगा। एक एक सेकेंड की इम्पोर्टेंस है, बता देता हूँ वो कैसे। जैसे कोई मैथ में क्वेश्चन है 42 × 42, अब वो नीचे लिखा 21, ठीक है। अब कुछ तो क्या करते हैं, इसको सीधा पहले मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं तो पहले तुम इससे काट लो 84। अब तुम पता है क्या है, यहाँ काटा पीटी मत करो, जब तुम्हें पता है 21 से जब दो बार जाते ही है तो सीधा 84 लिखने की ट्राई करो, क्योंकि एक एक सेकेंड यदि 20, वो कहते हैं ना सॉरी 20-20 सेकंड यदि एक क्वेश्चन में बचाते हो, ठीक है, तो 400 सेकंड बच जाते हैं। 400 को 60 से भाग दे लोगे तो तुम्हें पता लग जाएगा लगभग कितने हो गए, 6.5 मिनट बचेंगे एक तरह से। ये 20-20 सेकंड से ही वो कहते हैं ना, तुम्हारा पेपर जो तुम क्या करते हो, क्वेश्चन को लंबा ले जाते हो, वहाँ काटा पीटी में दिखाते हो, शो करते हो कॉपी रफ कॉपी के अंदर, वो शो करोगे तो तुम्हारा जो पेपर 20 मिनट का है ना उसके लिए तुम्हें 26 मिनट लगेंगे, तब जाके तुम्हें 20 मिनट का वो आएगा। और सेम यदि तुमने सेकंड बचाए तो तुम्हारा जो 20 मिनट है ना वो तुम्हें लगेगा कि यार अभी तो मेरे 14 मिनट ही हुए हैं, 6 मिनट अभी भी बच रहे हैं मेरे काम करने के। तो इसलिए इस चीज़ को अपने आप में इम्प्रूवमेंट लाओ कि मुझे कैलकुलेशन कम से कम करनी है, माइंड कैलकुलेशन ज़्यादा करनी है। जैसे अब उन 19 का स्क्वायर है, ठीक है, अब नीचे लिखा हुआ है 19, सॉरी यहाँ लिख दो कुछ भी ऐसे लिख दो कि भाई 2 × 2 = 722, ठीक है। अब पता क्या होता है, अब क्या करेंगे, पहले लोग लिखेंगे 19 × 19, फिर 722, फिर 19 से काट रहे हैं, फिर इसको इसको, अरे भाई थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ, 361 होता है, 361 का डबल कितना होता है, 722 होता है। तो यहाँ सीधा ही दो पे काटने की कोशिश करो ना, यहाँ पे भी दो मत लिखो, जहाँ पे दो लिखना है जैसे 1/2 है एक तरह से ही, 0.5 कहीं पे आंसर। अब क्या होता है 1/2 भी लिख रहे हो, 1/2 को भी थोड़ा नेगलेक्ट करो, सीधा पर 0.5 लिखने की कोशिश करो, तब होता है। देखो अब इंग्लिश का बताता हूँ, RC डेली सॉल्व करो, एक RC, चाहे ऐप से कर लो चाहे मॉक से कर लो, डेली फिक्स कर लो इस चीज़ को, ये चीज़ नहीं स्किप करनी है, ठीक है। फिर उसमें मिसस्पेल्ड आ जाएंगे, वर्ड रिप्लेसमेंट आ जाएंगे, ठीक है, ये सब चीज़ें थोड़ी ये रेगुलर वे में करनी है। इंग्लिश में, इंग्लिश का तो सबसे बेस्ट पार्ट है। जैसे अब कुछ कहते हैं, हाँ यार ये आज मैं साथ में बता ही देता हूँ, न्यूज़पेपर रीडिंग, न्यूज़पेपर देखो, द हिंदू तब पढ़ो जब तुम्हें इंग्लिश का कुछ आता हो, अदरवाइज इसको मत पढ़ो, क्योंकि हाई लेवल का है, तुम पढ़ते हो तुम्हें एक वर्ड भी नहीं समझ में आता, तुम उसकी वोकैब लिखने लगते हो, वोकैब हो जाती है 10,000, चलो 1,000 ही ले लो, 1,000 वोकैब हो जाती, वो याद नहीं होती। सबसे बेस्ट पार्ट न्यूज़पेपर होता है कि इसलिए रीडिंग या थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए, टाइम्स ऑफ इंडिया एक तो सस्ता भी है, 90 रुपये में आता है, बात सस्ते की नहीं है, और अच्छी चीज़ है कि तुम इससे अपनी रीडिंग स्किल बढ़ा सकते हो। इसमें वो वर्ड्स होते हैं जो अपने बैंकिंग एग्ज़ाम में आते हैं मोस्टली,
प्री के एग्ज़ाम में, तो दा मेरे हिसाब से द टाइम्स ऑफ इंडिया सबसे बेस्ट है यदि पढ़ना चाहो तो। बस न्यूज़पेपर रीडिंग करने का मतलब है कि अब जैसे मैं बताता हूँ, अब जैसे क्या करते हैं कुछ, क्या न्यूज़पेपर में पूरा दिन दो ही चीज़ पढ़ते हैं। जैसे मेरे को स्पोर्ट्स का इंटरेस्ट है तो मैं स्पोर्ट्स पढ़ता हूँ, ठीक है। बाकी मेरे को ऐसे लगता है न्यूज़पेपर फर्जी है, बट हमेशा दो चीज़ें पढ़नी चाहिए, फर्स्ट पेज, दूसरा तुम्हारा जो इंटरेस्ट हो। और एडिटोरियल पेज को एक बार ऐसे रीड करो, तुम्हें ये नहीं है उसको समझना है, तुम ये रीड करो और देन तुम ये सोचो कि तुम्हें इसमें समझ में कितना आया। बस तुम्हें इतना देखना है, इसको बार बार रीड नहीं करना है, इसको पूरा समझने की कोशिश नहीं करनी। बस तुम ये देखो, आज मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ, यदि रेगुलर पढ़ोगे न्यूज़पेपर तो उसमें क्या होता है, जैसे तुमने आज तुमने 10% सीखा, फिर तुम्हें धीरे धीरे 20% होगा, एक प्रोसेस के साथ में 2 मंथ बाद में तुम 50% तुम्हें न्यूज़पेपर का एडिटोरियल समझ में आने लग जाएगा। रीज़न पता है क्या, एक तो तुम्हें उसकी लैंग्वेज की आदत हो जाएगी कि यार वो ऐसे लिखते हैं, ठीक है, और दूसरा तुम्हारा रीडिंग स्किल बढ़ जाएगी, तो तुम्हें थोड़ा कहते हैं ना माइंड भी उस चीज़ को ऑब्जर्व करने लग जाता है, ठीक है, ऑप्ट कर लेगा जल्दी सी कोई भी चीज़ होगा। तो ये चीज़ होती है न्यूज़पेपर के अंदर। अब कुछ होते हैं एडिटोरियल, पहले तो यहाँ पढ़ेंगे, देन यूट्यूब पे जाओगे, वो यूट्यूब पे वो तुम्हें कोई बता देगा 50 वो कैब, फिर बात के 0 पे आ जाओगे, क्योंकि वो कैब याद नहीं होती है इतनी सारी, या आपको मैंने पहले ही बोल रखा है डेली की 10 वो कैब याद कर लो ना, वो बहुत है बेस्ट, उससे बेस्ट कुछ भी नहीं है, क्योंकि 10-10 करोगे ना तभी जाके 300 होगी, 300 से कभी पता लग जाएगा 2-3 महीने में 600-700 होगी, तो इतनी काफ़ी है मेरे हिसाब से। अब क्या है, न्यूज़पेपर का मैंने बता दिया, इंग्लिश का ही बता रहा था मैं, इंग्लिश में एक RC, मिसपेल्ड, वर्ड रिप्लेसमेंट और फिलर। और देखो सबसे लास्ट चीज़ है डेली की 50 एरर करनी है, एरर करनी है प्लस में क्या करना है, इसी एरर्स के नोट्स बनाने हैं, जो भी एरर है नीचे तुम सॉल्यूशन में अपने हिसाब से लिख लो, चाहे हिंदी में लिख लो हिंदी मीडियम वाले कि इसकी वजह से ये वाला सब्जेक्ट यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, ठीक है, तो ये सब चीज़ें वहाँ देख लो। अब जैसे GK के लिए करंट अफेयर, करंट अफेयर में देखो, अभी आज 1 सितंबर है, कोई भी सोर्स तुम्हें अच्छा लगता हो वहाँ से डेली पढ़ना स्टार्ट कर दो, डेली डेली का डेली, क्योंकि आपके जब 30 सितंबर होगा ना तब आपके पास में 30 दिन का GK याद होगा, तो उसके बाद में जैसे कोई PDF वगैरह आती है, आप कोई भी सोर्स ले सकते हो, मैं कोई भी सोर्स को बुरा नहीं कहता, क्योंकि करंट अफेयर कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकता कहीं पे भी। अब कुछ 2 सोर्स से पढ़ेंगे, 2 सोर्स से फिर वही वाली बात है कि आपका सिलेबस वाइड हो जाएगा, तो इससे बेस्ट है कि एक तो खुद डेली पढ़ो कोई भी ऐप से, जैसे कुछ जैसे मेरे दोस्त थे वो टेस्ट बुक यूज़ करते थे, अड्डा, ग्रेड अप, स्टडी IQ, अफेयर क्लाउड्स, जहाँ से भी तुम्हारा मन करे, ठीक है, इन 500 सोर्स में से 5-6 जितने भी तुम वहाँ से पढ़ सकते हो डेली का, लिख लो उसको, जैसे नोट्स बना लो ऐसे रफली नोट्स बना लो, ताकि 30 दिन बाद में आप रिवाइज कर सको उसको, देन आप उसके बाद में PDF पढ़ो तो आपको जो क्वेश्चन नहीं हो आपने जो पढ़ा है उस पे अलग से मार्क कर लो कि यार ये मैंने नहीं पढ़ा, जैसे N लिख लो वहाँ पे, ताकि आपको हिंट मिल जाएगा ये मैंने नहीं पढ़ा था। और आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, आपको जो भी कुछ मतलब ऐसे लगता हो कि ये करवाना है, ये मुझे वीक लगता है, या मेरे को देखो क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि अपन क्वेश्चन की प्रैक्टिस तो बाद में करेंगे, मैं मॉक के थ्रू लाइव करवाऊंगा, ठीक है,
अभी जैसे कि तुम्हें इस चीज़ में प्रॉब्लम आती है कि मेरे को ये चीज़ कैसे करनी चाहिए, जैसे कुछ होती है पज़ल बनाने का कि पज़ल बनानी कैसे है, तो ये सब चीज़ें मैं बता दूँगा, ठीक है। तो तुम कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, जो भी तुम्हारा टॉपिक वीक हो या तुम्हें ऐसे समझ में नहीं आता हो कि तुम्हें कैसे प्रिपरेशन करनी है उसकी, ठीक है। और दूसरी बात, कल मैंने एक चीज़ बताई थी अल्फ़ाबेटिंग वाला, ठीक है, अल्फ़ाबेट वाला, एनुमेरिकल वाला, जो थोड़ा सा मैंने वो गलत बोल दिया था। जब मैं फ्यू लिख रहा था तो मेरे को ऐसे लिखना चाहिए था, ठीक है, वो वाली चीज़ मैंने गलत बोल दी थी, जैसे ए बी सी डी, ठीक है। तो यहाँ अपन को ड्यू ये बनाना था ऐसे करके, ताकि डी का उल्टा डब्ल्यू हो, और फ्यू ये बनाना था, ये वाला एफ यू वाला, एफ़ यू वाला, कि एफ़ के साथ में यू आता है, ठीक है। आपको कोई भी टॉपिक में कोई दिक्कत आए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना कि मेरे को ये टॉपिक आप बता दो थोड़ा सा कि कैसे सॉल्व करना है।